Hello and welcome to my channel, Indian YouTuber Charu. Today we are in Muscat, the capital and largest city of Oman. You must have seen my earlier vlog where we were traveling from Kasab to Muscat and I told you that we'll be staying here for 2 days. So right now we're in our taxi heading towards our hotel apartment, which is in Al Gobra. We are going to Ashira Hotel Apartments. And whenever we come to Muscat, we always go there. Our stay is always comfortable over there. The staff is really friendly and very nice. So I'm showing you the view outside. Muscat is a very clean and organized city. And the people here are very polite and very generous. And you know, the taxi drivers here speak not only Arabic, but also Hindi, English and Urdu. I'm uploading this video after a long time. अब तो मैं इंडिया भी आ चुकी हूँ बट मेरा ये वीडियो तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही था और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता ही होगा कि जब हम अपनी कंट्री आते हैं तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे टाइम निकल जाता है हंसी खुशी पता ही नहीं चलता कई बार तो हम इतने बिजी होते हैं और इतना इंजॉय कर रहे होते हैं कि हम वीडियो शूट करना भी भूल जाते हैं वैसे तो मैंने न्यू दिल्ली के कई जगह आपको पता ही होगा फेमस है खाने के लिए तो वी ऑल वेंट देयर और मैंने कुछ वीडियोज भी बनाए हैं एंड वेरी सून I'll be uploading it for you guys. I hope आपको अच्छा लगेगा. New Delhi अब काफी change हो चुका है और यहाँ पे अब और भी बहुत अच्छी-अच्छी जगहें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी. फिलहाल आप देखिए मस्कत का सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क. ये बहुत फेमस है और बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. The Sultan Qaboos Mosque used to have the world's largest carpet and chandelier, but Emiratis and Qataris came to measure the interior and made bigger versions in new mosques to steal the title. Regardless of titles and records, this mosque is still pretty impressive. The chandelier is located in the center of the men's prayer hall and measures a staggering 14 meters and weighs 8.5 tons. It holds 600,000 shining bright Swarovski crystals 24 carat gold plating and took more than 4 years to complete. आप खुद ही देख सकते हैं कि बाहर कितनी ग्रीनरी है और कितने अच्छे से सिटी को मेंटेन किया गया है। मेरे हस्बैंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में खसब में काम करते हैं, उसके हेडक्वार्टर्स भी मस्कट में ही हैं। So we've reached the hotel now, Al Shira Hotel Apartment. My husband is taking the keys and providing the papers required. Meanwhile, I'm making the video of this lobby and reception area. So we got everything, the Wi-Fi password, the keys, and now we're going on to the 6th floor where we have our room. And now we're in the lift. फाइनली थोड़ा सा रेस्ट मिला है अब सुबह से उठे हुए हैं हम एक सेकेंड बेल बजी कोई आया है सॉरी बेल बजी थी और रूम सर्विस से कोई आ गया था बट नाउ आई एम हियर और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रूम नंबर 601 तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले ड्राइंग रूम है इट्स एन अपार्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है हमें सो बीच में एक कारपेट है उसमें सेंटर टेबल है और ये काउच लगे हैं ये काउच बहुत ही कंफर्टेबल है और जब भी मैं इसमें बैठती हूँ मुझे तो नींद ही आने लगती है और ये शैंडलियर्स लगे हैं आगे जाते वक्त कॉर्नर में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है फॉर टू पीपल जो ये आप देख रहे हैं दे आर जस्ट टू चेयर्स एंड अ वेरी स्मॉल टेबल इनफ फॉर टू पीपल और यहाँ पे जो कर्टन्स हैं इसके बाहर सिटिंग एरिया है लाइक अ वेरी बिग बालकनी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी फर्स्ट आई विल शो यू द किचन ये किचन है और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जब भी हम आते हैं कुकिंग गैस है केटल है चॉपिंग बोर्ड है फ्रिज है और कटलरी एंड प्लेट्स वगैरह सब कुछ ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज करके रखते हैं नॉट ओनली फॉर अस एक्चुअली फॉर एवरीवन आप देखिए सारे कुकिंग पॉट्स कॉफ़ी मग्स प्लेट्स टोस्टर सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है The apartment is good, big and clean. और क्या चाहिए
यहाँ किचन में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप खुद भी कुक कर सकते हैं। अगर कुक नहीं भी करना चाहते तो होटल के नीचे ही प्रियदर्शनी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत डिलिशियस साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो वहाँ भी जाया जा सकता है। एंड दे प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग लाइक टी बैग्स, शुगर, मिल्क। तो टी लवर तो मैं हूँ ही और मुझे हर कुछ घंटों में चाय चाहिए होती है, तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का एरिया। दिस इज माई फेवरेट प्लेस। यहाँ बैठकर मुझे चाय या कॉफी पीना इतना अच्छा लगता है। बाहर का व्यू देखो, साथ में बैठो, बातें करो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड इट्स प्रीटी बिग, सी कितना ज्यादा यहाँ पे अच्छा एरिया है। यहाँ पे ये 4 चेयर्स लगी हुई हैं और आज यहाँ पे टेबल नहीं है। जब हम पहले आते थे तो यहाँ टेबल भी होता था, और कुछ चेंजेस हैं क्योंकि यहाँ पे अभी रेनोवेशन होने वाला है, सो इसीलिए कुछ चीज़ें मिसिंग है। बट स्टिल मेरे लिए तो ये हमेशा बेस्ट प्लेस रहती है। एंड अगर कोई भी मस्कट आए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आके रहिए। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये हम आ गए हैं बेडरूम में। एंटर करते ही राइट साइड पे सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है और कबर्ड्स है, और सामने आप देख रहे हैं बेड। यहाँ की विंडो से भी आप वो सिटिंग एरिया देख सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ से काफी लाइट अंदर आती है एंड ओपन एरिया है, व्यू भी अच्छा है। और अभी हमने अपना सारा लगेज ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। So this is the view of the bedroom. और यहाँ से अगर हम आगे जाएं, बेडरूम के अंदर ही एक वॉशरूम है। छोटा सा है but very clean, smelling good. That's all I need in a good bathroom. इस अपार्टमेंट में 2 बाथरूम्स हैं, एक ये बेडरूम में और एक जो मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया था वहाँ पे भी है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। इस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आसपास बहुत अच्छे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं, और लुलू हाइपरमार्केट भी है बाउशर में, और उसके साथ ही है एवेन्यूज मॉल, और उसके पीछे भी काफी मॉल्स हैं। तो अगर शॉपिंग करनी हो तो आप वॉकिंग भी जा सकते हैं, अगर वॉकिंग ना जाना हो तो आप एक टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी में इट विल कॉस्ट यू मैक्सिमम 2 रियाल। सो ये दूसरा गेस्ट बाथरूम है जो ड्रॉइंग रूम के साथ है। तो ये है हमारा होटल अपार्टमेंट जिसमें हम रहे हैं फॉर 2 डेज। सो अभी मैंने आपको रूम दिखा दिया, हम बस अभी पहुंचे हैं, और मैं आपको दिखा रही थी सारे रूम्स और मुझे खुद भी देखने थे कि कैसे हैं, क्लीन हैं कि नहीं है। अभी काफ़ी थकान हो रही है, सो वील जस्ट हैव आ लंच नाउ। और आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं शाम को बाहर बैठ कर चाय कॉफ़ी पीऊँ और आपके साथ वहाँ बैठ के बातें करूँ। हाय गाइस, दिन में लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, हम सो गए थे, और अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो आई एम हैविंग दिस विक्स की गोली। So now we are in our taxi and we are going to city center Sib. वहाँ से हम अपने family और friends के लिए shopping करने वाले हैं। We are just hoping कि हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएं। जो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करूंगी वो तो मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊं, बिकॉज वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वो पहले ही सारे गिफ्ट्स देख लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सरप्राइज भी तो होना चाहिए, है ना? अब हम सिटी सेंटर के एरिया में एंटर कर चुके हैं और पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। वील गेट डाउन एट द एंट्रेंस, और अंदर अगर मुझे कम्फर्टेबल लगा तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, अदरवाइज मैं होटल रूम में वापस आके आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। This is the only clip that I could make inside the mall. This is the food court and this is the only place where I could open my camera. Pardon me for that. I know I'm funny.
I'm back to the hotel room और मैंने Bath & Body Works से Almond Blossom का collection लिया है, hand creams ली हैं, मिकियाजी से एक पूरा set लिया है जिसमें perfume and moisturizers हैं और दो necklace लिए हैं Max से और साथ में लिया है एक eyeshadow palette and studs. ये next morning की clip है and guess what we received? Diwali sweets from the general manager Shiril Pinto. He is a very good friend of my husband and I was delighted to see these sweets. Bahut yummy bhi lag rahi hai. Thank you so much. Humne bahut enjoy kari ye sweets. Muscat mein aisi sweets mil jaye to bahut badi baat hai. खसब में तो ये स्वीट्स बिल्कुल नहीं मिलती, so we enjoyed these sweets to the fullest. I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, give it a big thumbs up and share it with your family and friends. Have a great day, stay happy, stay blessed, and keep smiling, guys!